गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका पूजा शर्मा। तो बच्चों, कल हमने पिछले वीडियो में हमने पहला पाठ पढ़ा था। आज हम उसी हिंदी पुस्तक का पाठ नंबर दो, जिसका नाम है बहादुर सम्मू, यह पढ़ेंगे कि सम्मू कौन थी, वो कैसे बहादुर थी, उसने क्या बहादुरी का काम किया। ये सभी चर्चे, सभी बातचीत इस छोटी सी एक स्टोरी में है, कहानी में है कि सम्मू कौन थी, उसने कैसे बहादुरी दिखाई। आवाज आ रही है बच्चों? Yes, ma'am. गुड, माइक ऑफ कर दो। पेज नंबर 8, पार्ट नंबर 2, बहादुर सम्मो। कुराली गांव में एक किसान था। कौन से गांव में? कुराली गांव में एक क्या था? किसान था। उसकी बीवी का नाम सम्मो था। किसान की बीवी का क्या नाम था? सम्मो। और किसान कौन से गांव में रहता था? कुराली गांव में। उस दिन किसान ने सम्मो से कहा, सॉरी, एक दिन किसान ने सम्मो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने मुझसे आकर कहा, किसान अपना बैल मुझे दे दो, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। एक दिन किसान ने अपनी बीवी सम्मो से कहा, क्या कहा? कि सुबह सुबह जब मैं खेत में गया था तब एक शेर आया और उसने कहा कि अपना बैल मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। सम्मो ने पूछा, तुमने क्या जवाब दिया? उसकी जो बीवी है सम्मो, उसने किसान से पूछा कि तुमने क्या जवाब दिया उस शेर को। तब किसान कहता है, किसान ने कहा, मैंने शेर से कहा तू यहीं रुक। मैंने शेर से क्या कहा? कि तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूं, अगर तू बैल खा लेगा तो हम भूखों मर जाएंगे। किसान अपनी बीवी को बता रहा है, कौन थी उसकी बीवी? सम्मो। कौन से गांव में रहते थे किसान और उसकी बीवी? कुराली गांव में। किसान की बीवी का नाम क्या था? सम्मो। और उस दिन एक दिन उनके खेत में एक शेर आया और उसने किसान को कहा कि किसान अपना बैल मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। माइक ऑफ करो भूमि, यशिका, माइक ऑफ करो, म्यूट करो। किसान ने कहा, मैंने शेर से कहा कि यदि तू मुझे खा जाएगा, किसान ने शेर से कहा कि तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूं, अगर तू मेरे बैल खा जाएगा तो हम भूखे मर जाएंगे, हम मतलब ये हमारा जीविका का रास्ता ही बैल है, क्योंकि हम इससे हल जोतते हैं, खेत जोतते हैं और हमें उससे अनाज मिलता है जिसे हम बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो उसने, किसान ने शेर को कहा कि तू यहीं पे रुक, मैं अपनी घर वाली गाय लेके आता हूँ, तू उसे खा लेना, बैल को मत खाना। यह सुनकर सम्मो को बहुत गुस्सा आया। कौन सी बात सुनकर? जब किसान ने कहा कि मैं घर से गाय ले आता हूँ, बैलों को मत खाना, ये बात सुनकर सम्मो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा यानी डांट लगाई। किसने? सम्मो ने। किसको डांट लगाई? किसान को। घर की गाय को शेर को खिलाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? सम्मो ने किसान को कहा कि जो घर की गाय है उसे तुम शेर को खिला दोगे, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? अगर गाय चली गई तो घर में न दूध मिलेगा और न लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज से खाएंगे? मैम पढ़ा रहे हो, माइक ऑफ करो। याशिका, नव्या, तनिषा, माइक ऑफ करो। किसान की बीवी ने उसको डांट लगाई कि जब तुम घर की गाय दे दोगे तो घर में दूध किससे मिलेगा? गाय से ही तो दूध मिलता है, लस्सी, छाछ, दही किससे मिलेगा? जो बच्चे हैं वो तुम्हारे रोटी किसके साथ खाएंगे?
वो उससे सवाल जवाब करने लग गई, किससे? किसान से। किसान कौन था? उसका पति। सम्मो को एक तरकीब सूझी, उसने कहा, सम्मो को एक तरकीब, तरकीब मतलब उपाय, उसने एक उपाय सोचा और उसने अपने पति को कहा कि तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी सम्मो तुम्हारे लिए घोड़ा लेकर आ रही है। सम्मो ने क्या कहा अपने पति से कि तुम फौरन खेत में चले जाओ, तुरंत खेत में चले जाओ और उस शेर को ये बोलो कि मेरी बीवी सम्मो है जो तुम्हारे लिए घोड़ा लेकर आ रही है। उसने गाय नहीं दी। किसान डरता डरता शेर के पास गया। किसान को डर लग रहा था क्योंकि वो घर से गाय नहीं लेके गया था, क्योंकि किसान ने, शेर ने ये कहा था कि अगर तू तेरे बैल मुझे खाने नहीं देगा तो मैं तुझे खा जाऊंगा, और वो घर से गाय भी नहीं लेके गया, तो वो डरता डरता शेर के पास गया। फिर देखो बच्चों आगे क्या होता है। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय मरियल सी है। मरियल मतलब बहुत कमजोर है, पतली दुबली पतली है, कि हमारी जो गाय है वो बड़ी दुबली पतली है, मरियल सी है, उससे तुम्हारा क्या पेट भरेगा, कि उसको जब तुम खाओगे तो तुम्हारा उससे पेट नहीं भरेगा। मेरी बीवी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। उसने शेर को कहा, किसने? किसान ने, कि मेरी बीवी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है, उसे खाना जिससे तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी। फिर है पेज नंबर 9। सम्मो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में हंसिया लेकर घोड़े पर सवार हो गई। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हो ना, घोड़े पर आ रही है सम्मो साड़ी पहन के, और सिर पर उसने बड़ा सा पगड़ बांध रखा है और हाथ में हंसिया ले रखा है, जो ऐसे क्वेश्चन मार्क जैसा है, प्रश्नवाचक चिन्ह सा है, उसको क्या बोलते हैं? हंसिया। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई। घोड़े पर दौड़ती हुई सम्मो आई और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही शेर है, बाकी कहाँ गए? उस सम्मो ने आकर जोर से किसान को कहा कि तूने तो मुझे कहा था कि तूने 4 शेर पकड़ रखे हैं और ये तो सिर्फ एक ही शेर है, बाकी के शेर कहाँ गए 3? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी। कौन बढ़ी शेर की तरफ? सम्मो घोड़े से उतरी और शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी। माइक ऑफ करो याशिका, याशिका पाकोलिया माइक ऑफ करो, भूमि सानवी म्यूट कर दो, पाकोलिया Yes, ma'am. माइक बंद करो। माइक बंद है। फिर उसने घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी। कौन? सम्मो। क्या कहने लगी? अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफी है। सम्मो ने क्या कहा शेर के पास आके कि कोई बात नहीं, मैं एक ही शेर से काम चला लूंगी, 3 शेर नहीं है तो कोई बात नहीं, जो मेरे पति ने बताए थे कि यहाँ 4 शेर हैं, कोई बात नहीं, मैं एक ही शेर से मेरा नाश्ता कर लूंगी। इतना सुनते ही शेर डर के मारे कांपने लग गया। जब उसने ये बात सुनी सम्मो की कि मेरे को एक ही शेर काफी है, मैं नाश्ते में एक ही शेर खा लूंगी, तो इतना सुनते ही शेर डर गया कि ये सम्मो तो मुझे खा जाएगी, मैं इसको खाने आया था पर ये ही मुझे खा जाएगी, और भाग खड़ा हुआ, यानी वहां से शेर भाग गया। यह देखकर सम्मो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम इतने डरपोक हो कि घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे। किसे कह रही है वो? कि देखो अपने पति किसान को। सम्मो ने अपने पति किसान को कहा कि देखो इसे कहते हैं हिम्मत। उसने हिम्मत करके आई ना सम्मो घोड़े पर चढ़कर हंसिया लेकर, वो बिल्कुल भी नहीं डरी शेर से, उसको डर नहीं लगा कि शेर मुझे खा जाएगा, उसने हिम्मत दिखाई और शेर को ही डराकर वहां से भगा दिया।
उसने अपने पति को कहा कि तुम तो डरपोक हो जो अपने घर की गाय शेर को खिलाने जा रहे थे, मेरी जैसी मेरी तरफ देखो, मैंने हिम्मत करके शेर को भगा दिया। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी, उधर शेर भूखा था क्योंकि उसको बैल भी नहीं मिला, गाय भी नहीं मिली, और जो किसान बोल रहा था कि मेरी बीवी घोड़ा लेकर आ रही है तो वो घोड़ा भी नहीं मिला, और उसको अपनी जान पर संकट नजर आता हुआ दिखाई दिया कि वो तो मुझे खा जाएगी। भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है? भेड़िया था वो सुन रहा था सारी बातें, आवाज म्यूट करो, और उसने शेर को पूछा, महाराज क्या मामला है, यानी क्या बात हो गई, आज आप बहुत उदास दिखाई दे रहे हो। भेड़िए ने शेर को कहा कि आज आप बहुत उदास दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? शेर ने कहा, कुछ मत पूछो, कि कुछ भी मत पूछो भाई, आज बहुत मुश्किल से जान बची है, कि आज मेरी जान बड़ी मुश्किल से बची है, आज ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। शेर ने क्या बताया कि कुछ भी मत पूछो भाई, आज तो मेरी जान मैं बड़ी मुश्किल से बचा के आया हूँ, आज एक ऐसी राक्षसी, जो राक्षस होता है उसका जो स्त्रीलिंग रूप होता है वो राक्षसी होता है, तो ऐसी राक्षसी से पाला पड़ा जो सुबह सुबह नाश्ते में 4 शेर खाती है, और मेरी आज जान बड़ी मुश्किल से छुटी है। यह सुनकर भेड़िया हंसा, उसकी बात सुनकर भेड़िए को हंसी आ गई, वह झाड़ी के पीछे छिपा तमाशा देख रहा था। कौन देख रहा था झाड़ी के पीछे तमाशा? भेड़िया। उसने कहा, भोले बादशाह, उसने क्या कहा? भोले बादशाह, वह तो सम्मो थी, कि वो तो सम्मो थी, उस किसान की बीवी जिसने जिसे आपने राक्षसी समझ लिया, पेज नंबर 10, कि वो तो सम्मो थी, उस किसान की बीवी जिसे आप राक्षसी कह रहे हो या समझ लिया था, आप इस बार कोशिश करके देखिए, कि आप इस बार दोबारा कोशिश कीजिए, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भी भेड़िया नहीं। उसने क्या कहा कि अगर बैल आपके हाथ ना आए खाने के लिए तो मेरा नाम भी भेड़िया नहीं, आप दोबारा कोशिश कीजिए। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत पर जाने के लिए राजी हुआ, उसने उसको फोर्स किया ना भेड़िए ने उसको खूब वो कोशिश करी आगे बढ़ाने की, तू डर मत शेर और आगे जा, वापस कोशिश कर, तुझे बैल जरूर मिलेंगे खाने के लिए, या कुछ भी मिलेगा खाने के लिए। और शेर ने हिम्मत जुटाई और वो वापस किसान के खेत में चला गया, लेकिन उसने कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। शेर ने उसको क्या कहा, मैं चला तो जाऊंगा पर तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। भेड़िए की भी पूंछ थी और शेर की भी पूंछ थी, तो दोनों की पूंछ बंध गई ऐसे, ठीक है, दोनों अपनी अपनी पूंछ बांधकर चल पड़े। देख रहे हो ना आप फोटो में, दोनों की पूंछ बंधी हुई है ऐसे। उन्हें देखते ही किसान के होशो हवास गुम हो गए, उन दोनों को एक साथ देखकर किसान और भी ज्यादा डर गया कि ये तो वापस आ गया खाने के लिए मुझे। वह डर से थर थर कांपने लग गया, उसको बहुत ज्यादा डर लगने लग गया और उसके पैर कपकपाने लग गए, पूरी बॉडी उसकी कपकपाने लग गई, लेकिन सम्मो बिल्कुल नहीं घबराई। सम्मो कौन थी? किसान की बीवी। वो बिल्कुल भी नहीं घबराई शेर और भेड़िए आने पर। भेड़िए को पास देखकर उसने जोर से कहा, जब भेड़िया पास में आया तो सम्मो ने जोर से कहा, क्या कहा? क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू 4 शेरों को बांध कर लाएगा। सम्मो ने हिम्मत से काम लिया और बहादुरी से उसे कहा कि भेड़िया अभी तो तू गया था और तूने कहा था कि मैं तो 4 शेर लेके आऊंगा, ये तो शेर एक ही है, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है। सम्मो ने उस भेड़िए को ही उसके जाल में फंसा दिया। पहले तो भेड़िया लेके आया था ना शेर को,
और सम्मो ने उन दोनों की पूंछ बंधी हुई देख ली और भेड़िए को ही कह दिया कि अभी तो तू आया था और बोल के गया था कि मैं चार शेर लाऊंगा, ये तो एक ही शेर है, वह भी मरियल सा है यानी दुबला पतला है, भला इसे खाकर मेरी भूख कैसे मिट सकती है। सम्मो ने कहा भला इसको खाकर मेरी भूख कैसे मिट सकती है, मुझे तो मोटा ताजा शेर चाहिए और चार शेर के लिए तूने कहा था ये तो शेर एक ही है, तो मैं तो इसको खाके मेरी भूख शांत नहीं होगी। खैर इस वक्त यही सही, उसने क्या कहा कोई बात नहीं, इस टाइम मैं यही शेर खा लूंगी जो मरियल सा है दुबला पतला है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस शेर को खाकर मेरी भूख शांत कर लूंगी। बिल्कुल भी नहीं डरी ना सम्मो, और जबकि उसका पति किसान डर गया था उनको देखते ही। इतना कहकर सम्मो आगे बढ़ी, सम्मो को डर नहीं लगा, आगे क्यों बढ़ी, शेर को खाने के लिए। यह देखकर शेर के होशो हवास गुम हो गए, जैसे ही सम्मो आगे आई उसको देखकर शेर के होशो हवास गुम हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि वो सोचने लग गया कि मेरे को तो ये खाने के लिए आ गई, पहले भी बड़ी मुश्किल से जान बचा के गया था ना, और अब दोबारा वो उसको खाने के लिए आ गई। आ रही है ना, इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना, समझ में आ रही है? अच्छी लगी स्टोरी ये? हाँ, उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। किसने सोचा? शेर ने। शेर ने सोचा कि ये जो भेड़िया है ये मुझे धोखे से वापस ले आया है और मेरे को झूठ बोल रहा था कि तू वापस जा, वापस कोशिश कर, और ये तो मुझे सम्मो को खिलाने के लिए वापस लाया है। वह फौरन वहां से भागा। कौन भागा? शेर। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया लेकिन शेर ने एक ना सुनी और तेजी से भागता चला गया। उसको डर लग गया और वह तुरंत वहां से फौरन भाग गया। कौन भाग गया? शेर। और जो भेड़िया था वो बहुत जोर से चिल्लाया कि तुम मत जाओ भाई, ये झूठ बोल रही है, ये नहीं खाएगी, ये किसान की बीवी है, पर फिर भी शेर ने उसकी इस बार बात नहीं मानी, क्योंकि उसने पहले बात मानी थी ना, और पहले बात मान के वो वापस खेत में आया था, पर इस बार उसने उसकी बात नहीं मानी और वो तेजी से वहां से भाग गया। किसान और सम्मो आराम से रहने लगे, उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ कभी नहीं आएगा, उन्हें मालूम था ना, क्योंकि शेर एकदम से डर गया था कि मैं दोबारा जाऊंगा तो अब की बार मुझे सम्मो खाए बिना वापस नहीं आने देगी, वो मुझे खा जाएगी। तो शेर कितना पावरफुल है, शक्तिशाली है, पर फिर भी वह सम्मो की बहादुरी के आगे डर गया ना। क्या शिक्षा मिली आपको इस पाठ से? कि हमें मुसीबत का डटकर मुकाबला करना चाहिए, ना कि उससे डरना चाहिए। डरा कौन था? किसान डरा था ना, पर सम्मो ने उसका बहादुरी से मुकाबला किया। किसका? वो शेर से भी नहीं डरी। माइक ऑफ करो तनिषा, नव्या माइक ऑफ करो, भूमि, सानवी। सम्मो ने बहादुरी से उसका सामना किया और वो बिल्कुल भी नहीं डरी कि, और उसने शेर जैसे जंगली जानवर को भी डराकर वहां से भगा दिया। अब इसके ये शब्दार्थ हैं, वरना, वरना मतलब नहीं तो, वरना का मतलब क्या होता है? नहीं तो। लिखना नहीं है आपको, बस खाली समझना है। फिर है जवाब, जवाब मतलब उत्तर, आंसर इंग्लिश में बोलते हो ना, हिंदी में होता है उत्तर। भूमि माइक ऑफ करो। पटकारा,
आटा। माइक ऑफ करो, लिखना नहीं है आपको, बस खाली बोर्ड पे देखो। बोर्ड पे देखते हैं। फिर है फौरन, फौरन यानी तुरंत। भाग गया था ना शेर। फिर है मरियल, कमजोर या दुबला पतला। नेक्स्ट हसिया, हसिया बताया था ना आपको, वो प्रश्नवाचक चिन्ह सा जो उसने ले रखा था, ले रखा था ना, ये देखो फोटो में ये जो ले रखा है इसको क्या कहते हैं, हसिया। दराती, इसको हिंदी में बोलते हैं दराती। इससे क्या है, घास काटी जाती है, घास। फिर है सिर्फ, यानी केवल। हवाले, सौंपना यानी सौंप देना। तो ये इस पाठ के शब्दार्थ हैं, सभी को ये याद करने हैं और कॉपी में लिखने हैं। ये कहानी सबको समझ में आई है? आई सबको समझ में? नहीं आई? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आज सभी बच्चे ये कहानी पढ़ेंगे अपने मम्मी पापा के पास में, दीदी भैया के पास में बैठ के, और इसको वापस से रीड करेंगे, समझेंगे, ठीक है? और जो इसके शब्दार्थ हैं, ये जो इसके शब्दार्थ हैं, ये आपको नोटबुक में करने हैं, सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में। जिसने भी गंदी हैंडराइटिंग लिखी तो वापस से काम करना है, मैं चेक नहीं करूंगी, है ना? और सारे बच्चे अपना काम करते रहे, और स्कूल में जैसे भी आपको बता देंगे, जो भी होगा टाइम उसके अकॉर्डिंग नोटबुक्स भेज दें, तो स्कूल में नोटबुक चेक हो जाएगी। ओके? यस मैम। चैप्टर में आपको क्या नहीं समझ में आया? सबको समझ में आ रहा है? yes, ma'am. कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो बताओ। क्लास ओवर करें? ओके, बाय बाय।